चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 11 दिसंबर को विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज योजना को लॉन्च किया। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के राजभवनों में आयोजित वर्कशॉप में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और संस्थान प्रमुखों को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी धर्मेंद्र प्रधान जी, देश भर से हमारे साथ जुड़े राज्यपाल श्री, शिक्षा जगत के महानुभाव देवी और सज्जनों, आज विकसित भारत के संकल्पों को लेकर बहुत ही अहम दिन है। मैं सभी गवर्नर्स को विशेष बधाई दूंगा कि उन्होंने विकसित भारत के निर्माण से जुड़ी इस वर्कशॉप का आयोजन किया है। देश की युवा शक्ति को दिशा देने का दायित्व जिन साथियों पर है, उनको आप एक मंच पर लाए हैं। शिक्षण संस्थानों की भूमिका व्यक्ति निर्माण की होती है और व्यक्ति निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण होता है। और आज जिस कालखंड में भारत है, उसमें व्यक्ति निर्माण का अभियान बहुत ज्यादा अहम हो गया है। मैं आप सभी को वॉइस ऑफ यूथ वर्कशॉप की सफलता के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हर देश को इतिहास एक ऐसा कालखंड देता है जब वो अपनी विकास यात्रा को कई गुना आगे बढ़ा लेता है। ये एक तरह से उस देश का अमृतकाल होता है। भारत के लिए ये अमृतकाल इसी समय आया है।